चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो होता है। कहता है टू इंड द मेटल रॉड मेंटेन एट द सेम टेम्प मेंटेन ए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। कहता है रेट ऑफ हीट फ्लो 4 जूल है। अगर मैं इंड का टेम्परेचर बदल देता हूँ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट चेंज हो जाएगा। तो चलो एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। अगर हम लोग पास एक रॉड है, इसके इंड का टेम्परेचर थीटा 1 है और इसके इंड का टेम्परेचर थीटा 2 है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू डी क्यू डी क्यू अपॉन डी टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के ए डेल्टा थीटा अपॉन डी एक्स। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर रॉड एक ही है तो, रॉड एक ही है तो, रॉड का अगर लेंथ एल है, ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब ये हुआ पहले वाले में 100 डिग्री सेल्सियस था, सो 110 है, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ फ्लो एच 1 है। दूसरे केस में रॉड वही है पर इन टेम्परेचर बदल दिए, इन टेम्परेचर कितना कर दिए यार, इन टेम्परेचर कर दिए 200 से 210 कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा थीटा इज अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस है, 210 माइनस 200 तो 10। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ एच 1 एच 2 के बराबर होगा और वो 4 पॉइंट जूल, मतलब ये, मतलब बी ऑप्शन सही है पहले वाले के इक्वल।